तो नमस्कार दोस्तों, मैं सरोवर कुमार यादव, सरोवर यूट्यूब मैकेनिकल चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें इंडो फार्म 2042 का फुल इंजन जॉब करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, इंडो फार्म 2042 हमने गाड़ी को दो टुकड़ा किए हैं, तो दिखा दे रहे हैं आप लोगों, देखिए इंडो फार्म 2035। तो दोस्तों, हमें आज इस गाड़ी का फुल इंजन का जॉब करना है, माने फिटिंग करना है। तो दोस्तों, इसका वीडियो इसलिए नहीं दे पाए खोलने का, गैरेज में भी काफ़ी काम था और हमें वीडियो बनाने का मकसद नहीं था इससे पहले। तो दोस्तों, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाए है खोलने का, और दोस्तों फिटिंग का वीडियो पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, हमें अच्छी से सबसे पहले क्लीन करना होता है, वॉश करना पड़ता होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने पूरा सामान अच्छी से क्लीन करके रखे हुए हैं। क्रैंक शाफ्ट को भी देख सकते हैं आप दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें अच्छी से वॉश करके रखना होता है, वेट है। और ये देख सकते हैं सारा मेन बिगेन सब अच्छी से हमने वॉश करके रखे हुए हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमें वॉश करना होता है, काहे कि जितना अच्छा वॉश होगा उतना अच्छा हमारा काम होगा दोस्तों। जितना अच्छा काम होगा उतना अच्छा हमारे रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने सैमसंग का जेन्युइन पार्ट इसका इंजन किट मंगाए हुए है, देख सकते हैं। या जितना सामान इसमें लिखा हुआ है सारा सामान हमारे किट से हासिल हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। ये पूरा फुल किट है, इसमें मेन बैरिंग, सीआर बैरिंग, सीआर बूस्ट टोटल सामान आता है दोस्तों। ये फुल सेट किट है, आप देख सकते हैं जितना जो चीज़ लिखा है दोस्तों, कैमरा नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ, वो सारा सामान इसमें से हासिल हुआ है। और दोस्तों, देख सकते हैं फुल इंजन किट, देख सकते हैं इसमें से सारा सामान हमारा हासिल हुआ है। मेन आयल सील, टाइमिंग आयल सील, जितना सामान दोस्तों लगता है वो सारा सामान ये देख सकते हैं। लॉक किट, सारा सामान इसमें से हासिल हुआ है दोस्तों। तो हमें इसका आज फिटिंग करना है। और दोस्तों, देख सकते हैं हमने सारा सामान अच्छी से वॉश करके रखे हुए हैं, अब हमें फिटिंग करना है दोस्तों। तो फिटिंग किस तरह से होता है आप देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये मेन बिगेन फिट करना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इजीली लग जाता है, देख सकते हैं लेथ वाला के पास से मार्का दे के भेजा हुआ है। तो हमें इस तरह से देख के लगाना होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और आगे से एक नंबर होता है सैमसंग इंजन का दोस्तों। कुछ इस तरह से हमें इजीली फिट हो जाता है, देखिए थोड़ा सा हमें इंजन आयल इस पर लगा लेना है इस तरह से। तो इंजन आयल लगा के हमें क्रैंक शाफ्ट को फिट करना होगा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, इजीली लग जाता है इंजन आयल, इस तरह से लगाना होता है। इस तरह से इंजन आयल लगा के हमें फर्स वाशर को बैठाना होता है दोस्तों, देखिए क्रैंक कटिंग हुआ है, RS1 का फर्स वाशर है दोनों। कुछ इस हिसाब से कोट वाला साइज इस हिसाब से लगेगा बाहर की ओर से, देख सकते हैं कोट वाला साइज बाहर से लगेगा, वो बाहर की ओर से देख सकते हैं मखिया घाट मिला के दोस्तों। कुछ इस हिसाब से एक नंबर हो गया, आगे से एक नंबर होता है। उसके बाद दोस्तों, देखिए ये दो नंबर है, अब हमें दो नंबर लगाना है, मखिया घाट फिर से मिला के इंजन आयल लगा के हमें लगाना होगा। जिस तरह से ये मखिया घाट जो होता है इस तरफ मिलेगा, तो दोस्तों देख सकते हैं तीनों फंसा दिए हैं, अब हमें चार नंबर
पल्ला लगाना होगा तो ये चार नंबर पल्ला लगाने से पहले इसमें दो ठो ओरिंग लगता है, इसमें वो लगाना होता है। तो थोड़ा सा हमें इसमें इस तरह से सुलेशन थोड़ा सा लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें दो सुलेशन थोड़ा सा सुलेशन लगा के दो ठो ओरिंग देख सकते हैं आप, ये लगाना होता है। और ये देख सकते हैं थर्स वाशर RS1 का, यह हमें ये कट वाला साइड जो है वो बाहर की ओर से रहता है, उल्टा ना लग जाए हमारा, उल्टा लगेगा तो दोस्तों इंजन जाम हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह हिसाब से, और हमें इसको इस तरह से मिला के ये चार नंबर को बैठाना होता है कुछ इस हिसाब से। देख सकते हैं दोस्तों आगे वीडियो में दिखाए थे नीचे वाला भी किस तरह से बैठाना होता है, तो हमें सारा को कसना है दोस्तों। तो 22 का गोटी हैंडल के मदद से हमें सारा को इस तरह से सकाना होगा। कुछ इस हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों कुछ इस हिसाब से सारा को हमें टर्क मारना होगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसका सोलह केजी में हमें टर्क मारना है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 16 केजी। स्टार्ट सो दोस्तों कुछ इस हिसाब से हमें टर्क रिंच के मदद से टाइट होता है, टाइट होने पर ऑटोमेटिक ये बाजने लगता है दोस्तों टक 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 टक। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमें स्पेशल टूल से इसको टाइट करके चेक करना होता है। तो दोस्तों बिना स्पेशल टूल्स का कभी भी इंजन नहीं कसना चाहिए, काहे कि स्पेशल टूल्स यूज करना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो हमें अब ये यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों मेन आइल से सब हमें फिट करना होगा, बेल हजी सब फिट करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों हमें ये वेट फिटिंग करना है, देख सकते हैं लॉक नया डाल के हमें इस तरह से लॉक को डाल के हमें वेट को फिटिंग करना होगा। तो दोस्तों ये एक नंबर है, तो एक नंबर ये आगे से लगेगा इस साइड, तो हमें ये डालना होगा एक नंबर। एक नंबर सिम्पसन इंजन में दोस्तों आगे से होता है। तो दोस्तों उसके बाद हमें ये दो नंबर देख सकते हैं आप इजीली, कैमरा नज़दीक करके दिखाते हैं, दो नंबर हमें लगेगा फ्लाईव्हील साइड। तो कुछ इस हिसाब से हमें लगा के पकाना होगा, देख ले उस हिसाब से हमें इसको लॉक थोड़ा सा टाइट करके उसके बाद हमें टॉर्च रिंच के मदद से हमें टाइट करके उसके बाद हमें लॉक करना होगा दोस्तों। इसको देख सकते हैं आप, तो हमें 16 गोटी की मदद से हमें टॉर्च रिंच को 9 केजी पे मिला के हमें वेट को टाइट करना होगा दोस्तों। कुछ इस हिसाब से देख सकते हैं आप इजली, टॉर्क रिंच टाइट होने पर अपने आप बाजने लगता है दोस्तों, देखिए। इस हिसाब से हमें टॉर्क मारना होता है, देखिए। पहले दोस्तों इसमें इंजन कसाया था, किसी मैकेनिक भाई ने इसको एरो लाइट डाल के बोल्ट को टाइट किया था दोस्तों। हम इसमें एरो लाइट नहीं डालना चाहिए, हम लोग नहीं डालते कभी भी नहीं। सबसे पहले विश्वास होता है कि हमारा इंजन हम टाइट करेंगे तो हमारा नट लूज ना हो, खुले नहीं,
तो दोस्तों इसी हिसाब से हमें टर्क को मार के अच्छे से टाइट करना होता है। तो हमें अब मेनाइलसिल में पैकिंग लगा के हमें मेनाइलसिल टाइट करना होगा, बेल हजिंग टाइट करके हमें इंजन को जोड़ना होगा दोस्तों। तो इंजन में तो हमें गियर बॉक्स में जोड़ के उसके बाद हम आगे वीडियो में दिखाएंगे किस हिसाब से लाइनर पिस्टन फिटिंग होता है, किस हिसाब से हेड फिटिंग होगा और टाइपिट कैसे मिलाया जाता है, सब दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले किस हिसाब से हमें इंजन को साफ सफाई करवा के कसवाना होता है अच्छा से। कुछ इस हिसाब से हमें बराबर में टैकिंग लगा के टाइट करना होता है दोस्तों। देखिए 13 नंबर बोल्ट को 13 का टी के मदद से ज़्यादा भी नहीं टाइट करना होता है दोस्तों, काहे कि सीट का बॉडी है, फूट भी सकता है, क्रेक हो जाता है तो भी हमारा इंजन ऑयल लीकेज होगा। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से हमें मिला के टाइट करना होता है इसको। तो दोस्तों इसको टाइट करके हमें वेट का लॉक करना है, ये वेट को लॉक करके नहीं दिखाए है, हम वेट को लॉक करेंगे तो उसके बाद में बेल हजिंग जोड़ के इसको कसेंगे। तो दोस्तों जोड़ने के समय में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से हमें प्रेशर प्लेट को टाइट करना होगा दोस्तों, हमने सारा सामान। तो दोस्तों क्लच प्लेट फिट हो गया, हमने नया डाले है और इसका फिंगर का भी सेटिंग कर दिए। तो हमें इसमें गियर बॉक्स में हमें इंजन को जोड़ना होगा दोस्तों। तो कुछ इस हिसाब से हमें इंजन को सबसे पहले घुमाना होगा, देख सकते हैं। तो हमें कुछ इस हिसाब से घुमा के चंबर कस के जोड़ना होता है ताकि हमारा सेंटर में रहे इंजन, इजीली जोड़ा जाए दोस्तों, देख सकते हैं। इस हिसाब से थोड़ा इजीली जोड़ा जाएगा, छोटू जाओ उस पर। सारा ये ज्वाइंट वाला नट को 17 नंबर टाइट करना होगा और टाइट करके हमें चेंबर खोल के उसके बाद में हमें रिंग डालना होगा दोस्तों। तो देखिए वीडियो में बने रहिए। कुछ इस हिसाब से जोड़ के हमें सारा 17 नंबर बोल्ट इजीली फंसा के टाइट करना होगा इसी हिसाब से दोस्तों। हमने गाड़ी को जोड़ के सब चीज़ टाइट कर लिए हैं, चेंबर खोल के हटा दिए। तो दोस्तों हमें एक टाइमिंग प्लेट टाइट करना होगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस तरह से लगा के हमें टाइमिंग का कवर का सारा नॉट टाइट करना होगा। तो दोस्तों वो वीडियो पे इतना ही था। वो पार्ट टू में कैसे पिस्टन का फिटिंग होता है और टाइमिंग कैसे बनाता है हम पार्ट टू में दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों पार्ट टू बहुत जल्द आएगा, पार्ट टू देखना ना भूलिएगा, बहुत जल्द आएगा दोस्तों। तो ये हम कंप्लीट करके पार्ट टू का दिखाएंगे, बहुत जल्द आएंगे पार्ट टू पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, किसान भाइयों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।